मुंबई और गुजरात के कुछ इलाकों के बाद अब बारिश का पानी उत्तराखंड के लोगों की मुश्किल बढ़ा रहा है। उत्तराखंड में मौसम जानलेवा हो गया है। भारी बारिश से देहरादून में हालात बिगड़ गए हैं। अलग अलग हादसों में कुल 7 लोगों की मौत हो गई। देहरादून में रिस्पना नदी उफान पर है। नदी किनारे कई घरों को खाली कराया गया। आज देहरादून के सभी स्कूल बंद है। कई इलाकों में पानी भर चुका है। सुबह 3 बजे से बारिश हो रही है। देहरादून के अलावा रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल में भी बारिश से हालात खराब हैं। देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी के उफान पर होने से हालात बिगड़ गए हैं। देहरादून के कई घरों में पानी और मलबा घुस गया है। लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। देहरादून के शास्त्री नगर में बारिश की वजह से एक मकान ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई। देहरादून के लाड़पुर इलाके में पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट में रात भर बरसात होने से दुकानों, घरों, सड़कों और खेतों में भी जल भराव हो गया है। पानी के तेज बहाव के चलते गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। पिथौरागढ़ में रामगंगा उफान पर है। पानी में एक जेबीसी मशीन और 2 कारें बह गईं। बागेश्वर को जोड़ने वाला पुल बह गया। ये मसूरी की तस्वीर है। पिछले 3 दिनों से यहाँ बारिश हो रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने कल भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।